वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ से महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से संबंधित विशेष टीका उत्सव के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से वार्ता की। गोरखपुर के NICU हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि लोगों से संपर्क करके अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन कराएं, साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सोमवार से शनिवार तक सभी सरकारी अस्पतालों में PHC तक और कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक टीकाकरण का कार्य लगातार होता है। अब तक हम 75,76,365 लोगों को पहली डोज दे चुके हैं और इनमें से हम 12,70,343 लोगों को दूसरी डोज भी दे चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 88,46,608 डोजेज दी जा चुकी हैं और टीकाकरण का जो कार्य है, ये जब आप दो डोज ले लेते हैं तभी आप पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। अगर आप एक डोज लेकर के दूसरी डोज नहीं लेंगे तो आपका जो पहला डोज दिया हुआ है वो भी बहुत कारगर नहीं होगा। तो ये जो है, ये टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है और आपके माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि सभी लोग जो भी आपके वार्ड के हैं, जो भी आपके क्षेत्र में आते हैं, सभी जो एलिजिबल लोग हैं, अर्ह लोग हैं, उनका टीकाकरण अवश्य हो जाए। टीकाकरण का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है और हम प्रतिदिन 3 से 4 लाख करते हैं, इसको और बढ़ाएंगे। 5 अप्रैल को हम लोग ने एक दिन में 5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया था और इसको और अधिक बढ़ाएंगे। तो आप सबों से मेरा निवेदन है कि टीकाकरण के इस महायज्ञ में आप भी अपना सहयोग करें। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय राज्यपाल महोदया का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि आपने मुझे यह अवसर दिया। स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय की आज के संवाद के कार्यक्रम में पूरे प्रदेशवासियों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश में मेरे सहयोगी मंत्री नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारीगण, सभी प्रदेश के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण और भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत एक वर्ष से ये लड़ाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। भारत की इस लड़ाई को विजयी बनाने में यूपी की बड़ी भूमिका हो सकती है और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका को अब तक कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना की जो दूसरी लहर आई है या पहले से ज्यादा तीव्र और ज्यादा खतरनाक स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। आपके सामने विगत एक वर्ष के देश और दुनिया के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया गया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने क्या उपलब्धियां हासिल की थी, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, इन सब को लेकर के अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया। लेकिन ये लड़ाई केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम नागरिक की है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। और हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नेतृत्व, यशस्वी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें हरेक स्तर के जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनकी सक्रिय योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सेकंड स्ट्रेन में हमें सबसे पहले बचाव पर ध्यान देना होगा। स्वयं का बचाव करते हुए अगर हम अन्यों के बचाव के लिए उपाय कर सकेंगे तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसी देश से मेरा आप सबसे अपील होगा कि सबसे पहले हम कोरोना का जो प्रोटोकॉल है इसका पालन करें, अनिवार्य रूप से पालन करें।
क्योंकि कल से और परसों से कुछ पर्व और त्योहार आ रहे हैं। कल से वासंतिक नवरात्रि आ रही है, वासंतिक नवरात्रि में देवी मंदिरों में भीड़ होती है, जागरण के कार्यक्रम होते हैं, रामनवमी का आयोजन होता है और भी कार्यक्रम होते हैं, परसों से रमजान का कार्यक्रम भी है। ये सभी जो आयोजन होंगे, हर हाल में भीड़ से बचना, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना, धर्मस्थलों पर जो निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा एक समय में न जाए, भीड़ भाड़ न हो, और जो भी शासन ने पहले से व्यवस्था दी है उसका पालन अगर हम कर पाएंगे और उसमें योगदान दे पाएंगे तो एक अच्छी स्थिति होगी। नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण ज्यादा है और इसलिए आप सभी नगर निकायों से जुड़े हुए महापौर, चेयरमैन, पार्षदों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कंटेनमेंट जोन, आप सब जानते हैं इस समय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और प्रशासन और हमारी पुलिस ज्यादातर पंचायत चुनाव में व्यस्त है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि नगरीय क्षेत्रों में जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बने हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा है, कंटेनमेंट जोन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस या फिर स्वयंसेवी संगठनों की जो भूमिका है, पार्षद आदि भी इसमें योगदान दे सकते हैं, स्वयं का बचाव करते हुए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए प्रत्येक निगरानी समिति के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर देकर के लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना, बाहर से आने वाले सभी जो भी लोग हैं या जो संक्रमित हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फिर उनका 100% टेस्टिंग की दिशा में उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में योगदान देना, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल के सैनिटाइजेशन के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर, मेलाथियन डस्ट, चूना आदि के छिड़काव की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि ये केवल हमारे लिए कोरोना के संक्रमण को ही रोकने के लिए नहीं योगदान देगा बल्कि बरसात में डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया और अन्य विषाणु जनित तमाम उन रोगों से भी बचाव में इसकी बड़ी भूमिका होती है। हम अभी से इस कार्ययोजना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। शुद्ध पेयजल और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, इसके साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ग्लव्स के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करना, हर एक जनपद में प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए थे, सभी जनपदों में सक्रिय हैं। नगर निगम जितने इन सभी नगर निगमों के दायरे में है और ज्यादातर हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो ITMS बने थे उन्हीं को हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वह अच्छे ढंग से काम कर सकें, इस दिशा से एक बड़ी भूमिका आप सबकी इसके साथ हो सकती है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स में जानकारी रखना, प्रशासन के साथ सहयोगी बनना, वहां पे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही वहां पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी की जा सके। प्रदेश सरकार हरेक स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के लिए तत्पर है। आप सबकी सहभागिता इस लड़ाई को कई गुना आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। आप सब जानते हैं कल से यानी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का एक विशेष आयोजन पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर चल रहा है। कल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक ये 4 दिवसीय टीका उत्सव के कार्यक्रम में कल प्रदेश में 3,00,000 से अधिक टीका एक ही दिन में लगे हैं और मैं अपील करूंगा कि कल 6,000 सेंटर में टीकाकरण हुआ है। आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं कल और परसों 8,000 केंद्रों में टीकाकरण का एक कार्यक्रम चले। पब्लिक अवेयरनेस, जिसको पहला टीका लगा लिया है वे निर्धारित समय में दूसरा डोज भी ले लें। जिन्होंने अभी तक 45 वर्ष की उम्र के जितने भी लोग हैं जिन्हें अब तक टीका नहीं लगा है वे टीका लगा लें और इसमें आप योगदान दे सकें। जितने भी सेंटर हैं वहां पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना और फिर उतने ही लोगों को बुलाना जितना लोगों को टीका लगना है, जिससे वेस्टेज बच सके, वेस्टेज को बचाने में भी योगदान देना। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका अगर हम पालन करते हैं
तो ये मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने आज यहाँ पे 6 नगर निकायों के साथ संवाद बनाया और महामहिम राज्यपाल जी के उपस्थिति में यह संवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वे प्रदेश के अभिभावक हैं, प्रदेश की प्रथम नागरिक हैं। तो प्रदेश के अभिभावक के रूप में प्रदेश के अंदर नगर निकाय किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ये महामहिम राज्यपाल जी के संज्ञान में आना आवश्यक है। और इस दृष्टि से आज मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के लिए आज अपना समय निर्धारित किया। कल सर्वदलीय बैठक को भी महामहिम राज्यपाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि वह अपना समय, बहुमूल्य समय सभी कार्य के लिए उपलब्ध कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी नगर निकाय जिला प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जो बातें यहां पर अभी विभिन्न नगर निकायों ने बताई हैं, सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें और सभी जनप्रतिनिधिगण उसका अनुपालन करते हुए कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, जिससे कोरोना हारेगा, देश जीतेगा और इसको हम मजबूती से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो ये मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं एक बार फिर से महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम आगे आने वाले कल से हमारे जो पर्व आ रहे हैं आप सबको मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नौ संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, वासंतिक नवरात्रि का कल प्रथम दिन है, इसकी भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। रमजान परसों से प्रारंभ हो रहा है, इसकी भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आदरणीय महामहिम श्री राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमको अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री श्री आशुतोष जी, सभी महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपस्थित सभी सदस्यगण, सभी अधिकारी, अब हमारे सामने एक अच्छा प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत हुआ। आप सबने ये देखा होगा और सोचा भी होगा कि राज्य सरकार भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस तरह काम कर रही है, तेज गति से काम कर रही है और जो करना चाहिए सब कुछ कर रही है। इसका जो एग्जांपल है वो एक साल पहले जो कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और एक साल में सब लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना को कंट्रोल किया। इतना ही नहीं, पूरे भारत में सभी राज्यों में जो केसेस हुए और जो डेथ हुई इसमें सबसे कम उत्तर प्रदेश में हुआ और इसी वजह से लोग की सराहना की गई थी कि यूपी ने बहुत ही अच्छा काम किया। दूसरे जो स्टेट है उसमें 8-10 करोड़ की आबादी है लेकिन यूपी में 24-25 करोड़ की आबादी है, गरीबाई भी है और उसी समय कई श्रमिक दूसरे राज्य से वहां आए और वो भी कोरोना लेकर आए। ये सबका ध्यान रखना और सबको खाने पीने की इंतजाम करना और दवाई वगैरह का प्रबंध करना ये बहुत ही बड़ा काम था। ये काम करके दिखाया मतलब ये हमारी शक्ति है, ये हमारी भक्ति है कि हमें गरीबों की सेवा करें, कोरोना काल में मरीजों की सेवा करें। ये हमारे परंपरा है, हमारा संस्कार है। आज हमारे सामने जो परिस्थिति फिर से शुरू हुई है वो तेज गति से फैला रहा है और पता ही नहीं चलता है कि घर में एक को कोरोना है
जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि पूरा परिवार के सभी सदस्य कोरोना ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में हमारा काम ये है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग यूपी करवा रही है। इसमें भी मैं तो ये चाहूंगी कि हर रोज हम लक्ष्य तय करें कि सभी डिस्ट्रिक्ट में या तो नगर पालिका में इतने तो टेस्ट होने ही चाहिए, तो हम उसको जल्दी से कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरी बात है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर पूरे तारीख के साथ काम करेंगे तो जल्दी कोरोना को हम हरा पाएंगे। जो हमारे पार्षद या तो पंचायत में जो पंचायत सदस्य है, आपका मतक्षेत्र निश्चित है, एक मतक्षेत्र में कितने रोग टेस्टिंग हुए, कितने मरीज आए, उनकी कोई कंप्लेन है कि नहीं है, क्या कंप्लेन है, वो कंप्लेन दूर करने के लिए प्रयास को चाहे अधिकारियों के साथ बैठक करके कंप्लेनों को दूर करने का प्रयास हो, ये सब करना पड़ेगा। दूसरा, मैंने देखा है कि कई हमारे सदस्य, कई हमारे नागरिक जो कोरोना के नियम बने हैं, प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं करते। वो ये समझते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं होगा और होगा तो उसके सामने हम लड़ेंगे। लेकिन मित्र, हमें ये भी ध्यान रखना है कि मैं कोरोना ग्रस्त हो जाऊंगा तो मेरे कारण और 10 लोग संक्रमित होंगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरे कारण मेरे परिवार या तो मेरे पड़ोसी या तो मेरे फ्रेंड सर्कल में कोरोना ग्रस्त हो जाए? ये हम नहीं चाहते। और इसी वजह से प्रोटोकॉल का सबसे पहले हमें ही पालन करना है। जब हम पालन करेंगे तो दूसरों को हम बताएंगे और आपके पास से वो भी सीखेंगे कि हमारा विधायक है, हमारा एमपी है, हमारे महापौर है, वे सब लोग तो प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो ये काम सबसे पहले हम लोग करें, उसका परिणाम अच्छा आएगा। जहां ये काम शुरू हुआ है वहां इसका परिणाम हमें मिला। दूसरा है वैक्सीनेशन। आज एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है कि रशिया की स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है। अब मंजूरी मिली है तो वो तीसरी हमारी वैक्सीन आ जाए तो उसका लाभ भी भारत को मिलेगा। वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हो ये प्रयास करना चाहिए। और आप देखिए कि आज जब हम महापौर से जहां काम करते हैं वहां कई यूनिवर्सिटी है, कई कॉलेजेस है, ये सबका हमें सहयोग लेना है। चाहे जागरण करने के लिए सहयोग लो, चाहे टेस्टिंग में मदद करने के लिए आपको मदद चाहिए, चाहे वैक्सीनेशन के लिए मदद चाहिए, तो ये काम हम कर सकते हैं। और हम लोगों ने सभी ऋषि के साथ परसों एक चर्चा की है, वे लोगों को मार्गदर्शन दिया है और वे अपने अपने तरीके से अपने स्टूडेंट्स एनसीसी एनएसएस के जरिए काम कर रहे हैं, वो भी आपको सहयोगी बन रहे हैं। दूसरा है कि सभी गांव में आंगनबाड़ी है, एक आंगनबाड़ी में 2 महिलाएं काम कर रही है, आशा वर्कर भी है। और गांव में जब इतना हमारा वो काम करने वाले सदस्य है उनका भी लाभ हम ले सकते हैं। गांव में वैक्सीनेशन हो, नहीं करवाते तो उसको जागरूक करें, उसको ले जाए। यूनिवर्सिटियों के पास भी गाड़ियां हैं, काफी गाड़ियां हैं, यदि जरूरत पड़े तो वो गाड़ी का भी उपयोग करके एक साथ 50 लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाकर उनके साथ तालमेल बिठाकर पहले से ही उनके साथ बातचीत करके जो हमें ऐसे लोगों को ले जाएंगे तो उसका टीकाकरण हो जाएगा। और हम लोगों ने लक्ष्य तय किया और तय करना चाहिए कि रोजाना हम कितना वैक्सीकरण को करेंगे।
क्योंकि वैक्सीनेशन होगा, एक भली बाकी लोगों में ये अफवाह फैली हुई है कि जिसने भी वैक्सीनेशन किया है वो भी फिर से कोरोना ग्रस्त हो गए। लेकिन आपने ये नहीं सुना कि जो लोग दूसरी बार वैक्सीनेशन लेने के बाद भी संक्रमित हुए हैं उसको कोई परेशानी ज्यादा नहीं हुई है, 3-4-5 दिन में वो स्वस्थ हो गए, तो उसका एक इफेक्ट है मित्रों। तो वो भी हमें जागृति पब्लिक के बीच में लाना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन हो जाएगा और फिर यदि मान लो कि आप संक्रमित हुए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, न कोई इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, न ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3-4 बातें हैं, आपने निगरानी वगैरह बहुत अच्छी तरह से किया है, हमारे पार्षद सक्रिय बने, ज्यादा सक्रिय बने और सहयोगी बने, जिसकी वजह से हम कोरोना को कंट्रोल कर सके। अब नवरात्रि शुरू हुई, रमजान की शुरू होगी 2-3 दिन के बाद, तो सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, नई साल की शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब ये संकल्प करें कि हम सबसे पहले देश में कोरोना को हराएंगे, यूपी हराएगा और यूपी में जो प्रबंध वगैरह हो रहे थे वो देश और देश में जो अलग अलग राज्य है वो देखेंगे और अच्छी बातें जो हो रही है, अच्छा काम हो रहा है वो देखकर ही उसको प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर कोरोना को हराए ये संकल्प करें, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे उत्तर प्रदेश के निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने कुछ महापौर और स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों से बात किया, जनप्रतिनिधियों से भी बात किया और उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिया कि जितने भी नगर निकाय हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि अपने शहर को साफ सुथरा रखें, साथ ही साथ टीकाकरण में पूरा पूरा सहयोग करें, अपने यहाँ निगरानी समितियाँ बनाएं और उनको टीका लगवाने में मदद करें, साथ ही साथ पूरे शहर को सेंट्रलाइजेशन कराएं और जो कंटेनमेंट जोन बने हैं उसके भी देख रेख करें, वहाँ विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा की गई है और राज्यपाल महोदया ने भी सभी को निर्देशित किया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कोरोना को हराने के लिए काम करें और सबसे बड़ी बात कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा कि हर व्यक्ति मास्क लगाए, आप खुद लगाओ और अपने लोगों को भी जागरूक करो, इससे मानवता का कल्याण होगा और लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये बातें मुख्यमंत्री जी ने कही।